नमस्ते क्लास, क्लास एट की एक्सरसाइज 2.2 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 करना है। क्या लिखा हुआ है? द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कंपटीशन गेट्स अ प्राइज ऑफ 100 रुपीज़। मतलब एक कंपटीशन चल रहा है ऐसे का, उसमें अगर कोई जीतता है यानी कि विनर जो होता है उसको कितने रुपए का प्राइज मिलेगा? 100 रुपीज़ का। और नेक्स्ट लिखा हुआ है एन अ पार्टिसिपेंट्स हु डजंट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ 25। और जो पार्टिसिपेट करता है पर जीत नहीं पाता तो उसको भी कितने रुपीज़ दिए जाएंगे? 25 रुपीज़ दिए जाएंगे। यानी कि जो विनर है उसको 100 रुपीज़ मिलेंगे और जो पार्टिसिपेंट है यानी कि जो जीतता नहीं है मान लो हार जाता है तो उसको कितने रुपीज़ मिलेंगे? 25 रुपीज़ मिलेंगे, है ना। अब बोल रहा है कि ऐसे कर करके द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चों ने क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर, मतलब बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट कर दिया और टोटल कितने जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनके कितने पैसे खर्च हो गए? 3000 रुपये, यानी कि 3000 रुपीज़ उनके खर्च हो गए, उन्हें प्राइज के तौर पे बच्चों में बांट दिए। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, तो बोल रहे हैं कि जो विनर्स है उनकी संख्या ढूंढो कि कितने विनर्स होंगे, है ना, जिन्हें 100 रुपये मिले। इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63, एक ऐसे प्रोग्राम है जिसमें 63 पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करता है, उनमें से कितने हैं जो जीत जाते हैं और जिन्हें 100 रुपये मिलते हैं और बाकी के जो हार जाते हैं उनको 25 रुपीज़ मिलते हैं। तो हमको यही ढूंढना है कि विनर्स कितने हैं। तो हमने क्या ले लिया? द नंबर ऑफ विनर, फिर भी हमको नहीं पता कितने, तो हमने क्या ले लिया? एक्स ले लिया, है ना। हमको नहीं पता कि जो विनर्स है वो कितने हैं, तो हमने क्या ले लिया? एक्स ले लिया। पर हमको क्वेश्चन में बताया हुआ है कि टोटल पार्टिसिपेट्स कितने हैं? 63, है ना। नंबर ऑफ पार्टिसिपेट्स कितने जाएंगे? 63 हो जाएंगे। द प्राइज मनी गॉट बाय विनर्स, तो है ना, विनर कितने हैं? मान लो कि ये कितने हैं विनर, एक्स सॉरी बाय ले लो, है ना, ये कितने हैं बाय विनर्स हो जाएंगे और उनमें से प्रत्येक को कितने 100 रुपये दिए गए हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, मान लो कि 5 बच्चे हैं जो जीत गए हैं और 5 को अगर 100 रुपये दिए जाएंगे तो कितने रुपए बढ़ जाएंगे उनके? 500 रुपीज़ जो है बढ़ जाएंगे, 500 रुपीज़ बढ़ जाएंगे। यहाँ पे हमने वही निकाला है, हमको विनर्स का नहीं पता था कितने थे, तो हमने क्या ले लिया था? बाय ले लिया था। अब हमको ये पता करना है कि जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनके कितने रुपए खर्च हो गए विनर्स को देने में, तो हमने 100 रुपीज़ का उस पर मल्टीप्लाई कर लिया, है ना। तो क्या हो जाएगा? 100 बाय हो जाएगा। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? बाय की निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो विनर्स को देने में कितने रुपीज़ खर्च हो गए उनके? 100 बाय हो गए, ठीक है। अब प्राइज मनी गॉट बाय नॉन विनर्स, यानी कि अब बोल रहा है कि जो जो हारे हुए बच्चे थे यानी पार्टिसिपेंट्स थे उनको देने में कितना पैसा खर्च हो गया? तो हमको तो नहीं पता कि कितने जीते हैं और कितने हारे हैं, हमें तो सिर्फ टोटल पता है। तो हमने क्या कर लिया, जो टोटल था उसमें से जो विनर्स है उसको घटा दिया, ठीक है। तो क्या निकल गए? नॉन विनर्स निकल गए, है ना। हमने क्या किया, टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने थे? 63 थे और हमारे पास जो विनर्स थे हमने क्या माना था? नंबर वाय माना था, तो उसको माइनस कर दिया। तो अब ये क्या बचा? 63 -1 -y का आया था नंबर, तो ये जो है नॉन विनर्स का नंबर हो जाएगा, है ना, नॉन विनर्स का नंबर हो गया। अब हमको ये निकालना है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो हारे हुए पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट करें। तो जो हारा हुआ बच्चा होगा उनमें से एक एक को कितने दिए? 25 25 दिए। ऐसे कितने बच्चों का निकालना है? 63 -y बच्चों का निकालना है। तो हमने 25 का इसमें क्या कर लिया? मल्टीप्लाई किया, है ना। तो 25 का हम जब 63 में मल्टीप्लाई करेंगे 1575 आ जाएगा, ये माइनस था तो माइनस लिख दिया, देन 25 आपका ऐसे मल्टीप्लाई करेगा, बाय से मल्टीप्लाई करेगा, तो कितना हो जाएगा? 25 × y = कितना हो जाएगा? 25 बाय, यानी कि मतलब कि जो प्राइज मनी गॉट बाय नॉन विनर्स वो कितनी हो जाएगी? 5575 -25 बाय, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा था वो कि सबको मिला के जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि जो विनर्स बच्चे थे उन्हें भी और जो हारे हुए बच्चे थे उन्हें भी सबको मिला के जो ऑर्गेनाइजेशन ने कितने रुपए खर्च करे थे? 3000 रुपीज़, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन था उसके कितने रुपए खर्च हो चुके थे बांटने में? 3000 रुपीज़ क्या हो चुके थे? खर्च हो चुके थे, है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 100 बाय, विनर्स को उसने कितने रुपीज़ दिया? 100 बाय दिया, प्लस 1575 -25 बाय, ये कितने के हैं? ये किसके? नॉन विनर्स हो जाएंगे। इनको प्लस करने के बाद टोटल रुपीज़ कितने खर्च हो रहे हैं? 3000, तो हमने क्या कर लिया? 3000 कर लिया, है ना। तो आप देखो अब क्या करेंगे, बाय वाली वैल्यू देखेंगे। तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव का 100 बाय है, ठीक है, पॉजिटिव का 100 बाय, और ये जो है नेगेटिव का 25 बाय है। तो इसमें से ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 75 बाय।
ठीक है, और ये बाकी का क्या हो जाएगा 1575 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3000 रुपीज दिया हुआ है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें बाय की वैल्यू